गॉडजिला एक ऐसा फिक्शनल मॉन्स्टर है जिसकी ताकत के सामने किसी का भी टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास ना सिर्फ बड़ा आकार है बल्कि खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन भी है, जिससे ये मिनटों में किसी को भी तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ किंग गिडोरा भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ इसके पास 3 सर है बल्कि इसका आकार भी गॉडजिला से बड़ा है। लेकिन अगर किंग गिडोरा और गॉडजिला एक दूसरे के सामने आ जाए और इनके बीच फाइट हो जाए, तब वो लड़ाई अब तक की सबसे जबरदस्त लड़ाई होगी, जिसमें किसी एक का मरना तय होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनकी फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन दोनों मॉन्स्टर की ताकत का कंपैरिजन करें, आपका ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि किंग गिडोरा और गॉडजिला एक दूसरे के बिल्कुल जानी दुश्मन है। मतलब ये हर वक्त एक दूसरे को मारने की तक में रहते हैं। एक तरफ जहाँ गॉडजिला की हाइट सिर्फ 328 फीट है, तो वही किंग गिडोरा की हाइट गॉडजिला से काफी ज्यादा, लगभग 521 फीट है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गॉडजिला अपने ओपोनेंट किंग गिडोरा से कमजोर है, क्योंकि एनिमल किंगडम के हिसाब से किसी भी क्रिएचर की ताकत उसके वेट पर डिपेंड करती है। और जब वेट की बात होती है, तब किंग गिडोरा के 141,000 टन वेट के सामने गॉडजिला का वेट 164,000 टन है, जिसका मतलब इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। अब अगर इनके अपीयरेंस की बात करें, तो गॉडजिला एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसका शरीर किसी माउंटेन की तरह ही सॉलिड है, और जिसकी बैक पर बहुत ही सॉलिड और नुकीले कांटे मौजूद हैं, और जो अपनी दमदार आर्म से किसी को भी उखाड़ फेंकने की दम रखता है। वही अगर किंग गिडोरा के अपीयरेंस की बात करें, तो वो एक 3 सर वाला ड्रैगन है जिसका शरीर भी गॉडजिला की तरह ही सॉलिड है, और जिसके शरीर पर 2 बड़े-बड़े विंग्स और 2 ताकतवर टेल्स मौजूद है। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि इन दोनों मॉन्स्टर्स के अपीयरेंसेस में चेंजेस हुआ है, साथ ही इनकी ताकत में भी एक अच्छा खासा बूम देखने को मिला है। पर इससे ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। ये जान लेने के बाद आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इन दोनों मॉन्स्टर में ज्यादा ताकतवर कौन है। वेल, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मॉन्स्टर की क्षमता का अंदाजा पास्ट में उसके द्वारा की गई फाइट के आधार पर लगाया जाता है। दोस्तों, अगर हम किंग गिडोरा के फाइट रिकॉर्ड को देखें, तो उसने अतीत में एक समय धरती पर अल्फा मॉन्स्टर रोडेन को हराया था, जो उसकी पावर के बारे में बताने के लिए काफी है। वही अगर हम गॉडजिला का फाइट रिकॉर्ड देखें, तो उसने अब तक अलग अलग मॉन्स्टर्स और क्रिएचर से करीब 58 फाइट्स लड़ी है, जिनमें से 42 में जीत गॉडजिला की हुई है, साथ ही उसकी 9 फाइट ड्रॉ रही है। अब अगर हम ये पता लगाना है कि इन दोनों मॉन्स्टर में से ज्यादा घातक कौन है, तब उसके लिए हमें इनके पास मौजूद सबसे घातक हथियार के बारे में जानना होगा, क्योंकि वही इनकी लेथलिटी को डिफाइन करता है। एक तरफ जहाँ धरती के वायुमंडल के बाहर किसी मीटेराइट साय किंग गिडोरा के पास अपने मुंह से दुश्मन के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने की एबिलिटी होती है, तो वही दूसरी तरफ रेडिएशन से धरती पर ही जन्मा गॉडजिला अपने मुंह से इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक एटॉमिक रेडिएशन छोड़ता है, जो कि किसी भी जीवित क्रिएचर को पल भर में मार सकती है। फिलहाल अभी तो हम गॉडजिला और किंग गिडोरा की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जो कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं है, लेकिन हकीकत में हमारे पैसों को भी इन्फ्लेशन नाम के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, जिसमें इन्फ्लेशन आपके पैसों को हराने के लिए टाइम की मदद लेती है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बीतता जाएगा उतना ही आपके पैसों की वैल्यू घटती जाएगी। तो अगर आप भी अपने पैसों को जिताना चाहते हो, तो उसके लिए आपको भी किसी की मदद लेनी होगी, और वो है इन्वेस्टिंग। और इसी इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है PaiPaisa.com। PaiPaisa.com इज वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया। दोस्तों, केवल 5 साल में PaiPaisa ने 12 लाख प्लस कस्टमर्स जोड़ लिया है। ऐसा पॉसिबल हो पाया है PaiPaisa के पेपरलेस हैसल फ्री डीमैट अकाउंट प्रोसेस की वजह से। आप 5 मिनट में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो PaiPaisa मोबाइल ऐप के थ्रू। प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके PaiPaisa मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करें, फिर पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम फिल इन करें, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करें। PaiPaisa मोबाइल ऐप पर आप इक्विटी, FNO, कमोडिटीज, करेंसीज, गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप फ्री में अपना मार्केट रिसर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर। एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर यू, कोड ऑफर 250 यूज करने पर आपको 250 रुपीज मिलेगा, जिससे आप अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। ओपन योर डीमैट अकाउंट फॉर फ्री विद PaiPaisa एंड मेक योर इन्वेस्टमेंट इजी एंड रिवॉर्डिंग। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और प्रोमो का डिटेल्स दे दिया है।
तो चलिए फिर से मेन टॉपिक पर आते हैं। क्या आप सभी को पता है कि किंग गिडोरा अपने बड़े विंग्स की मदद से गॉडजिला की तरफ से आ रही रेडिएशन वेव से बच सकता है, क्योंकि उसका विंग स्पैन करीब 175 मीटर का होता है, जो कि उससे 550 नॉट्स यानी कि 1018 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने में मदद करता है, और इसी स्पीड से वो गॉडजिला की रेडिएशन वेव से आसानी से बच सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उड़कर खुद को धरती के वायुमंडल से भी बाहर ले जा सकता है, जहाँ पर एटॉमिक रेडिएशन उस तक नहीं पहुँच पाएगी। हालांकि गॉडजिला के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर समय पानी में रहता है। साथ ही अगर वो जमीन पर भी है, तब वो चाहते हुए भी धरती से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास विंग्स नहीं है। इतना ही नहीं, अगर किंग गिडोरा के कंपैरिजन में हम गॉडजिला की स्पीड को देखें, तो वो काफी कम है, क्योंकि गॉडजिला महज 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही भाग सकता है, और इसी स्पीड से अपने दुश्मन पर हमला कर सकता है, जबकि किंग गिडोरा की मेन पावर उसकी स्पीड ही है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि स्पीड का यही डिफरेंस किंग गिडोरा और गॉडजिला की फाइट का रिजल्ट तय कर सकता है, और ऐसे में जीत किंग गिडोरा की ही होगी, क्योंकि वो इसी स्पीड से न सिर्फ धरती पर बल्कि पानी में छिपे गॉडजिला को इलेक्ट्रिक शॉक दे देगा। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गॉडजिला जमीन पर सबसे ताकतवर है, मगर किंग गिडोरा उड़ सकता है, जिस वजह से गॉडजिला अकेले किंग गिडोरा को नहीं हरा सकता। हाँ, ये बात भी सच है कि किंग गिडोरा गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर नहीं है, जिस वजह से वो गॉडजिला को सिर्फ डिफीट कर सकता है, मगर मार नहीं सकता। जबकि अगर गॉडजिला रोडन की हेल्प ले ले, तब वो आसानी से थ्री हेडेड मॉन्स्टर किंग गिडोरा को खत्म कर सकता है। दोस्तों, गॉडजिला को हेल्प की जरूरत इसलिए भी होती है, क्योंकि वो अक्सर लड़ाई लड़ता रहता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी कम है। जबकि किंग गिडोरा कई सेंचुरी से सो रहा था, जिस वजह से उसकी पावर फुली रिचार्ज्ड है, जो उसकी मदद गॉडजिला को हराने में कर सकता है। आप सभी को क्या लगता है कि गॉडजिला और किंग गिडोरा में से किसकी जीत होनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।